करनाल के तरावड़ी में गौ तस्करों ने जमकर उत्पात मचाया, फायरिंग की और चौकीदारों पर हमला करके फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों के बाद गौ तस्करों ने भी पुलिस की नाक में दम कर रखा है। गौ तस्कर अपनी तेज रफ्तार गाड़ी के साथ तरावड़ी अनाज मंडी में उत्पात मचाते हैं, चौकीदारों पर हमला करते हैं और फिर पुलिस के नाके को तोड़ते हुए फरार हो जाते हैं। सारी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद भी हो जाती है। पुलिस का कहना है कि गौ तस्करों का पुलिस की तरफ से पीछा भी किया गया, पर उनकी रफ्तार ज्यादा थी इसलिए वो फरार हो गए। वहीं अनाज मंडी में आड़तियों का कहना है कि इस समय पुलिस को अपनी गश्त बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि गौशाला नजदीक है। ऐसे में गौ तस्कर फिर से किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक बदमाशों और गौ तस्करों पर अंकुश लगाम लगाती है। द्वारा गाय लादी जा रही है मंडी के पास, तो जैसे ही हम इस तरफ को आए और सामने से ये गाड़ी जो आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है, और हमारे इनका आमना सामना हुआ तो इन्होंने फायर किया और भी फायर करके ये जस्ट हमारे को क्रॉस किए। उसके बाद फिर हमने इनको घीड़ तक इनको चेज किया है, बट क्या हुआ कि इनकी स्पीड हमारे से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जो लोग भी इस प्रकार के पशु जो हमारी गाय माता रहती है, गाय माता को जो इस प्रकार के व्हीकल्स लेते हैं तो फिर वो बहुत हैवी स्पीड में किसी भी चीज को। तो पुलिस की टीम पे भी गोली चलाई है? पुलिस की टीम को देख के ही गोली चलाई है। कितने व्यक्ति मंडी में भी गोली चलाई है पहले उन्होंने चौकीदारों पर? जो मेरी सूचना है ना उसके अनुसार मैं जैसे ही आया हूँ वो गाड़ी का मेरे से आमना सामना हुआ है और उन्होंने एक फायर करके और फिर वो मेरे को निकले। सर वह व्यक्ति किसने है? कोई पहचान हुई है? व्यक्ति अभी नहीं मैं कुछ कह सकता कि गाड़ी में कितने व्यक्ति थे। नंबर प्लेट गाड़ी में नंबर प्लेट जो थी वो रात का टाइम था, मैं अभी नहीं देख पाया हूँ, बट जो रूट के उसके सीसीटीवी कैमराज हैं उनको हमने देखा है। कुछ लीड भी हमें मिली है और CIA की टीम को भी हमने बुलाया है यहाँ पे उस चीज को चेकआउट करने के लिए, और कंप्लेंट के आधार पे हम इनके खिलाफ कार्रवाई। तो रात को शोरूम पे भी तोड़फोड़ हुई थी बाइक के गारमेंट, उसमें क्या निकल कर सामने आया? शोरूम पे जो तोड़फोड़ हुई थी वो यहीं के आइडेंटिफाई हो चुके हैं लड़के, एक लड़के का वो नाम रात को बता रहे थे, बाकियों का हमने जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और उनके बयान पे पर्चा दर्ज कर रहे हैं। अभी वो एडमिटेड हैं, थोड़ा उनको रात के समय अनकॉन्शियस थे, तो जैसे ही अब वो हमारे को स्टेटमेंट देंगे उनके खिलाफ FIR। वजह पता चल पाई कि क्यों? वजह एक उन्होंने बताई कि ये इनमें से दो तीन लड़के जो थे उनकी दुकान पे तीन चार दिन पहले सामान जो उनको रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है तो वो उधार लेने के लिए आए थे और उन्होंने मना कर दिया था, तो इस बात को लेके फिर उन्होंने अटैक किया दुकान पर और आगे की स्थिति आपको पता। सर यहाँ पर गौशाला वगैरह भी है तो आगे आप अपनी गश्त बढ़ाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, गश्त बढ़ा दी गई है, ऐसा नहीं है कि गश्त बढ़ाई नहीं है, गश्त ऑलरेडी तीन चार दिन से बढ़ाई गई है और अभी मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की है और इस मामले में और दोनों मामलों में CIA को हम लेके और फिर आगे करेंगे। तो व्यापार मंडल का प्रधान संरक्षक मंडी से सवेरी मेरे पे चौकीदारों का फोन आया कि रात को प्रधान जी 12:30 बजे कहीं 6-7 आदमी गाड़ी लेके आए और वो उनपे गौवा 2-3 गौवा थी वहाँ पे उसके लोड कर की थी और वो लोड करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमने उनको हटाना शुरू करा तो लड़ाई झगड़े पे और उतर आए और उन्होंने साथ में वो बंदूकें वगैरह ले रहे थे, उन्होंने गोलियां चलाई। जैसे ही हमने वो पत्थर बरसाने लगे उन पे और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने गोलियां चलाई और जिससे हम डर गए और हम भाग गए, उन्होंने हमारा पीछा करा गाड़ी से और इसके रात हमने पुलिस में मतलब उन्होंने फोन कराया होगा तो नंबर पे कराया होगा तो रात को ही मतलब सुनवाई नहीं, तो मेरी सवेरी SHO साहब से 10:15 बजे बात हुई, तो SHO साहब शहर में भी कोई कल दंगा फसाद हुआ था उस मीटिंग में व्यस्त थे, अभी अभी पहुंचे हैं और जैसे भी कार्रवाई होगी तो ये CCTV में भी आया था। CCTV में अभी हमने देखा है, CCTV में साफ नजर आ रहा है वो जो अपने हमारे चौकीदार से वो पत्थर बरसा रहे हैं और उधर से गाड़ी भी आ रही है। और मैं सरकार से एक और बात करना चाहूँगा, ये मंडी का मसला है, साथ के साथ हमारे यहाँ एक गौशाला है GT रोड पे, उसमें 2000 से ज्यादा गौ हैं, वहाँ पे तो सिर्फ दो ही चौकीदार है, अगर ये ऐसा यहाँ सेफ्टी नहीं रही तो वहाँ तो 2000 गौ को उठा के ले जाएगा कोई। मैं सरकार क्या नाम आपको? मेरा नाम शिषपाल गुप्ता है। तो ये एसोसिएशन द्वारा हमने अपने पर्सनल भी चौकीदार यहाँ लगा रखे हैं,
क्योंकि मंडी में सर्दी की दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, उसको देखते हुए हमने चौकीदार की व्यवस्था की है। और रात का ये जो गऊ से हमने बचाव किया, ये हमारे चौकीदारों की बहादुरी का परिणाम है। 8 चौकीदार है, उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई, लेकिन उनके पास हथियार थे, इस करके उनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। हम पुलिस प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी गश्त बढ़ाई जाए। तो गोली भी चलाई उन्होंने? हाँ, गोली भी चलाई है रात को। सीसीटीवी में हमने अभी देखा है, उन्होंने गोली भी चलाई है। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि पुलिस की थोड़ी सी गश्त इसमें बढ़ती चली जाए, जिसमें जो असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है वो हमें सुरक्षा इसमें प्रदान। राकेश हंस, मैं सचिव हूँ मंडी एसोसिएशन।